स्वागत है। आपको बता दें कि 803 मांगों को लेकर बेरोजगार जो है वो अब आर पार के बोर्ड में नजर आ रहे हैं। जयपुर से तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में बेरोजगारों को पुलिस ने यहां पर हिरासत में लिया है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहां पर पुलिस की गाड़ी में सभी युवाओं को भरा गया है। हंगामे की तस्वीर यहां से सामने आ रही थी और देखिए जरा किस तरीके से बेरोजगारों को यहां से पुलिस ले जाती नजर आ रही है। 3 दिनों से शहीद स्मारक पर इनका धरना प्रदर्शन जारी था और आज 14 दिन था, और ऐसे में सरकार की तरफ से कोई वार्ता नहीं होने पर जो युवा है वो यहाँ पर बेहद आक्रोश में नजर आ रहे थे। और उसके बाद उन्होंने PCC के बाहर धरना दिया था और उसके बाद अब पुलिस यहाँ पर एक्शन में नजर आ रही है। आपको बता दें कि कई मांगों को लेकर जो बेरोजगार युवा है वो पिछले कई समय से विरोध करते नजर आ रहे हैं, संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में दिल्ली कूच की उनकी तैयारी थी, लेकिन पुलिस की तरफ से उन्हें रोक दिया गया और उसके बाद जो गुस्साए युवा थे, बेरोजगार युवा, वो PCC कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे थे और हंगामा यहां पर जमकर किया जा रहा था, जिसको देखते हुए पुलिस की तरफ से ये एक्शन लिया गया है। तो जयपुर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहां पर जमकर डालेबाजी की गई और PCC के बाहर से ये तस्वीरें जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस यहां पर तैनात की गई और मजबूरन हंगामा बढ़ता देख पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ा। और जो यहाँ पर बेरोजगार युवा थे, जो हंगामा कर रहे थे, हुड़दंग कर रहे थे, उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसके साथ ही लोगों की मांग थी कि सरकार के शिष्टमंडल से उनकी बातचीत हो, वार्ता हो, ताकि उनकी जो समस्याएं हैं उनका हल निकल सके। और 3 दिनों से शहीद स्मारक पर ये सभी धरने पर बैठे हुए थे, उसके बाद आज PCC पहुंचे, लेकिन PCC के बाहर की अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक एक करके सभी को हिरासत में लिया गया है। ये तस्वीरें जरा देखिए, PCC के बाहर की तस्वीरें हैं। युवाओं की तरफ से हंगामा किया जा रहा था और उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। बेरोजगार एकीकृत महासंघ की अगुवाई में ये जो धरना है वो लगातार चल रहा था। तो शहीद स्मारक पर लगातार 3 दिन से इनका धरना प्रदर्शन जारी था और उसके बाद अभी PCC की तस्वीर और वहां पड़ाव जो है बेरोजगारों का वो लगातार जारी था। दिल्ली कूच की इनकी पूरी तैयारी थी, लेकिन पुलिस की तरफ से इन्हें रोका गया और उसके बाद गुस्से में ये PCC दफ्तर के बाहर पहुंच गए। आपको बता दें कि बेरोजगारों ने अटकी हुई भर्ती को जल्दी पूरा करने, इसके साथ ही टेक्निकल हेल्पर के पदों की संख्या बढ़ाकर 6,000 करने की मांग की है और 8 सूत्री इनकी मांग है, जिनको लेकर लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का कोटा जो है वो निर्धारित किया जाए, इसके साथ ही पंचायती राज JEE भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने की इनकी मांग है। पंचायती राज LDC 2013 मुख्य परीक्षा का कैलेंडर जारी करने, इसके साथ ही तमाम इनकी जो 8 मांगे हैं इनको लेकर लगातार ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ये जरा तस्वीरें देखिए पुलिस किस तरीके से बेरोजगारों को, जो युवा है, बेरोजगार युवा, वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे और एक एक करके हंगामा यहाँ पर किया जा रहा था। PCC के बाहर की तस्वीरें जहाँ पर बेरोजगार युवाओं की तरफ से हंगामा किया जा रहा था और उसको देखते हुए पुलिस ने एक्शन लिया है। ये देखिए जरा किस तरीके से, और अब इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से पुलिस ड्रैग करती हुई, घसीटती हुई युवाओं को, बेरोजगारों को यहां से ले जाती हुई और पुलिस की गाड़ी में भरती हुई नजर आ रही है।